हाय गाइस, वेलकम बैक. सो बॉस जूनियर एनटीआर सैफ अली खान, जानवी कपूर, देवरा का ऑफिशियल प्रमोशन स्टार्ट होने जा रहा है. और ये कैसे स्टार्ट होने जा रहा है, कैसे किक ऑफ होने जा रहा है वो बताऊंगी साथ साथ में. अभी नंबर्स को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, अभी तक तो कोई लेटेस्ट रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन टोटल नंबर्स कहां तक पहुंच सकते हैं आज के दिन पर सब कुछ बताती हूं आपको इस वीडियो में. वीडियो को एंड तक जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब. सबसे पहले बात करते हैं यार देवरा का. नाम एक तरीके से कह लो कि जब तक देवरा का हमने ट्रेलर नहीं देखा था, या इनफैक्ट दाऊदी सॉन्ग जब तक नहीं आया था ना, तब तक आप ये कह लो कि बज काफी कम था. लोगों को ये लग रहा था कि यार ये फिल्म क्या रहेगी, मतलब चलेगी नहीं चलेगी, कैसे रहेगी कैसे नहीं रहेगी. लेकिन अब देखो, अब इस वक्त पे जैसी दाऊदी आई, उसके बाद दाऊदी सॉन्ग आया, उसके बाद जैसे जब ट्रेलर आया, तब से बहुत जबरदस्त बज इस फिल्म का होने लग गया है. हमारे को साफ दिखाई देता है कि चाहे वो नॉर्मल यूजुअल अगर हम देखें, थोड़ा बहुत ऑन ग्राउंड की तरफ अगर हम चले जाएं, तो लोगों में बातचीत हो रही है देवरा को लेकर. पहले नहीं थी, पहले बिल्कुल शांति बनी हुई थी, पहले इतनी बातचीत नहीं थी. बट नाउ इट इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी. ठीक है, सो अब देखने में ये आ रहा है कि कपिल शर्मा शो जो नेटफ्लिक्स पर आता था वो वापस आ रहा है, एंड इट इज स्टार्टिंग विद देवरा किक ऑफ कैंपेन. जी हाँ, देखो कपिल शर्मा के शो में पता है आपको एक चीज, एक बड़ी मिथ्या है इस चीज की, वैसे मानो या ना मानो, लेकिन मैं आपको एक जिस जनरल बात बताती हूँ. कपिल शर्मा शो जो पहले आता था सोनी वाला, लोग मानते थे कि जो भी फिल्म का प्रमोशन इस वाले पे होता है, कपिल शर्मा पे होता है, वो फिल्म नहीं चलती है, एक मिथ था. लेकिन फिर RRR जब रिलीज हुई, RRR के टाइम से मिथ एकदम ब्रेक हो गया. ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो अगर फिल्म आएगी तो मतलब प्रमोट होगी, इस पर तो नहीं चलेगी. कितनी सारी फिल्में आई, बड़ी बड़ी फिल्में थी जो सारी की सारी कपिल शर्मा के शो पर ही प्रमोट हुई हैं, और उन सभी फिल्मों ने कमाल किया ही किया है. सो चाहे वो कोई भी फिल्म थी, तो ऐसा अब देखने में लग रहा है, अब समझ में आ रहा है कि मतलब जैसे ही ये शो स्टार्ट होएगा, देवरा के साथ स्टार्ट होएगा, देवरा में जो भी नई कास्ट है, और देवरा ही नहीं, जिगरा भी आ रही है, और भी फिल्में आ रही है इस साल की, धर्मा की जो दो बड़ी फिल्में हैं, लेकिन दो आने वाली फिल्में, वो दोनों जो है वो अपना किक ऑफ प्रमोशन स्टार्ट कर रही है विद द कपिल शर्मा शो ऑन नेटफ्लिक्स. आफ्टर दैट वॉट इज गोइंग टू हैपन व्हेन इट कम्स टू देवरा प्रमोशन. अब प्रमोशन का नेक्स्ट लेग क्या होगा, प्रमोशन का जो नेक्स्ट लेग होगा, एक और वीडियो कंटेंट बताया जा रहा है कि एक और वीडियो कंटेंट इस फिल्म का आ सकता है. ये क्या कोई ट्रेलर होगा या कोई ग्लिम्स की तरह कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है अभी तो नहीं पता है. देखो 27 तारीख को फिल्म आएगी, अभी समय है, लेकिन 20 तारीख के आसपास बताया जा रहा है, यानी कि इंडिया में एडवांस बुकिंग ओपन होने से पहले एक बड़ा धमाका और होगा, पुश करने के लिए एक बड़ा धमाका और होगा. ये भी हो सकता है कि उस तारीख पर या उस समय पर ही देवरा का प्रमोशन कपिल शर्मा शो पे हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है. लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि इंडिया में एडवांस बुकिंग ओपन होने से पहले पहले ये लोग और कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर. सो मतलब ऑल इन ऑल इस वक्त पर देवरा इज गेटिंग मोमेंटम. जिस मोमेंटम की जरूरत है, जिस स्पीड की जरूरत है, वो धीरे 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 बढ़ती चली जा रही है. कहाँ तक बढ़ेगी, कितना पहुंचेगी, वो हमको देखना ही पड़ेगा. लेकिन अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नॉर्थ अमेरिका, अकेले नॉर्थ अमेरिका से 1.5 मिलियन, जो कि ऑफिशियल नंबर बताऊंगी, 1.8 कई कई जगहों पर पहले भी आ रहा था, 1.8 1.9 आ रहा होगा, 1.8 1.9 मिलियन यूएस डॉलर्स तक आ रहा होगा. लेकिन अगर कल तक जो रिपोर्ट हमारे सामने आएगी, आज शाम या कल तक, मुझे लगता है उसमें 1.5 के आसपास का नंबर जो है वो आ जाएगा, एंड दैट इज आई थिंक फेयर इनफ, अच्छा है. वैसे भी जूनियर एनटीआर की एक सोलो रिलीज बहुत समय के बाद आ रही है, और हम जो चीज़ों की कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे कि भाई क्यों प्रभास की फिल्मों के देखो यार, कल्कि का क्या जबरदस्त था, कहाँ तक नंबर पहुँच गया था, 3-3 मिलियन तक पहुँच गया था. लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि जूनियर एनटीआर इज समबडी हु इज एज आई सेड कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और नॉर्थ में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि नॉर्थ में अपनी एक सोलो रिलीज लेकर के आ रहे हैं. सो आई थिंक उसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बहुत ही बढ़िया बस चल रहा है देवरा का. आई एम होपिंग कि इसको जबरदस्त ओपनिंग लगे, जबरदस्त स्क्रीन्स मिले, बाकी तो प्रमोशन ये लोग करते ही रहेंगे. मर्चेंडाइज होगा कि नहीं होगा, मुझे लगता है मर्चेंडाइज भी ये लोग करने वाले हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है, बहुत डिफरेंट है. क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसमें, वी विल हैव टू सी, बट ओवरऑल इट्स अ ग्रेट ग्रेट प्रमोशनल स्ट्रैटेजी. बाकी आगे चल के देखेंगे क्या कुछ होता है देवरा के लिए, मैं भी आपकी तरह बहुत एक्साइटेड हूँ. बाकी फिलहाल दिस वीडियो थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल.